भाई साहब हम निकल चुके हैं हरिद्वार से मंसूरी की ओर, तो अब सीधा हम गुच्छू पानी जाएंगे पहले, तो फिर उसके आगे हम मंसूरी जाएंगे। तो हरिद्वार के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं करते हैं। तो गाइस वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा पूरा, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर दीजिएगा, और जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें गाइस, क्योंकि आगे बहुत सी वीडियो लाने वाला हूँ मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहीं पर एंडिंग करते हैं, जय भोले। तो आप मंसूरी के ब्लॉग्स आएंगे तो मैं उनका लिंक डालूंगा इस वीडियो में, तो उनको भी देखिएगा आप। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. कुल नहीं है, लिख दो पीछे 80 बैलेंस लिख दो ना।
ठीक है। ये रास्ता है गुच्छू पानी का, रॉबर्ट्स केव। तो गाइस ये रहा सामने रॉबर्ट्स केव। पहले से बहुत बाइकें लगी पड़ी हैं तो मज़ा आने वाला है भाई। रोक देते हैं यही बाइक। तो ये सारा पानी जो है निकल रहा है वही रॉबर्ट्स केव माउंटेन में से निकल रहा है सारा। केव का पानी है वेस्टेज। अब चलते अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। तो पहले तो भाई डुगडुगी की थोड़ी सेफ्टी का इंतजाम करें, पहले इसको लॉक लगा देते हैं। ये हमारा हमने लॉक तो भाई हरिद्वार में मैंने लॉक लगाया था, किसी ने मेरी बाइक आगे पीछे करी तो देखो लॉक का निशान, लॉक भी तोड़ दिया इन्होंने हरिद्वार में। चलो गाइस ये रहा सामने रॉबर्ट्स केव, चलते अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं। हम रॉबर्ट्स केव पहुंच चुके हैं, गुच्छू पानी रॉबर्ट्स केव। तो ये कुछ मंसूरी से 18 किलोमीटर दूर है, मतलब पहले मंसूरी से। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस हम गुच्छू पानी पहुंच चुके हैं रॉबर्ट्स केव। तो हरिद्वार पहुंचे थे सुबह, तो वहाँ स्नान करके हम सीधा रॉबर्ट्स केव आए हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, तो इसके बाद फिर सीधा मंसूरी के लिए निकलेंगे। तो देखते हैं अंदर, पहली बार आए हैं हम दोनों तो अंदर क्या है क्या नहीं है। ऐसे नाम तो इसका रॉबर्ट्स केव है, गुच्छू पानी रॉबर्ट्स केव की कुछ ऐसा ही हिस्ट्री है कि मतलब यहाँ पे चोर वगैरह छुपा करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स का राज था 1800 में, तो तब चोर वगैरह यहाँ पे गुफा में छुपा करते। तो इसके अंदर नेचुरल पानी है, गुफा में एक वाटरफॉल भी है जो कि पानी गिरता रहता है उससे। तो चलते हैं अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, और शेयर कीजिए, क्योंकि हम अपनी डुगडुगी लेकर आए इतनी दूर। तो दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा, देखिए मेरा फ्रेश होगा। नहीं रुक जाते रुक जाते, अपन नहा के फिर खाते हैं, बस खा के सीधा निकलेंगे ना। अबे खा के फिर निकलेंगे सीधा, यही खा लेंगे बैठ के, खा के फिर सीधा निकलेंगे। तो ये शाम थापा फास्ट फूड, कोई मंदिर है, मंदिर आ गए हम, मंदिर मंदिर जय भोलेनाथ। तो भाई व्यू तो कुछ बढ़िया लग रहा है मेरे को, इतना प्यारा व्यू मैंने अभी तक नहीं देखा। ओए होए होए होए, मज़ा तो आने वाला भाई है। जूते जमा नहीं कराएंगे, जूते रखेंगे हम बैग में। और इनके पास भाई साहब के पास हमने अपने बैग जमा करा दिए हैं जो कि इन्होंने इन लोकर के अंदर रखे हैं। ये शाम थापा फास्ट फूड सॉरी। तो इन्होंने अपने लोकर के अंदर जमा कर दिए हमारे बैग वगैरह। यहाँ से हमने स्लीपर्स लिए हैं 30 रुपये पर लोकर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से केव में एंटर हो रहे हैं, तो देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा, आप लोगों को भी दिखाते हैं अपने चैनल के थ्रू। तो गाइस एंजॉय कीजिएगा पूरी वीडियो, एंड तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। जय नंदी महाराज की जय, जय हो मेरे भोलेनाथ भोले शंकर। तो गाइस बहुत ही ठंडा पानी है कसम से, चिल्ड पानी एकदम बर्फ जैसा भाई, ठंडा पानी एकदम। और व्यू तो कसम से व्यू देखो गाइस आप, तो पहले मज़े आए हाय है, मज़े मज़े।
तो गाइस चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को रोबर्ट्स केव का नज़ारा। तो ये देखिए पहले, वही ठंडा पानी, तो देख सकते हैं कितना गहरा है। हैं? नहीं नहीं, नेचुरल। ओए, देख सकते हैं कितना है, पानी में मेरे पूरे पैर आ गए हैं। तो गाइस थोड़ा आगे जाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। होए, ठंडा पानी है। गाइस इस जगह को रोबर केव के नाम से जाना जाता है। रोबर केव इसका इसलिए नाम है क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का राज था 1800 में, तो यहाँ पे कुछ चोर छुपा करते थे उनसे बचने के लिए। तो इसका नेचुरल स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे चोर आसानी से छुप जाते थे, तो इस वजह से इसका नाम रोबर्ट्स केव डल गया। तो बहुत ही प्यारी जगह गाइस, अगर कभी आप मंसूरी का प्लान करते हैं हरिद्वार से, तो यहाँ पे भी ज़रूर आएँ, तो देख सकते हैं इतनी प्यारी है। अंदर वाटरफॉल है, वो भी दिखाते हैं आपको। भाई पानी बहुत ठंडा है, मेरे तो पैर ठंड से लाल हो गए, बहुत ही नेचुरली ब्यूटीफुल है। गाइस एक वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से, जो कि पहाड़ों से ऊपर आ रहा है। तो ये केव है, केव के अंदर जाता हूँ मैं एक बार, दिखाता हूँ आपको केव के अंदर से। देखो कितनी बढ़िया है गाइस, और यहाँ का साउंड इतना प्यारा लग रहा है मेरे को तो कदम से। ओए होए होए होए,
ऊपर गया वो जा आगे जाके है झरना वीडियो नहीं बना पाऊंगा मजा आ गया मगर मजा आया भाई अच्छा जी हाँ देखते आ जा गाइस भैया ने बताया कि अंदर और भी अपने लोगों को तो लग नहीं रहा था अंधेरा तो चलो चल के देखते हैं बस एक चीज़ का डर है कि सांप वगैरह ना हो यहाँ पे अगर सांप वगैरह हो तो बम बम बोले हो जाएगा अपना तो वैसे तो मेरे को केव में तो गाइस अब तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का ये बहुत ही प्यारी जगह लग रही है मेरे को तो ये ओए होए 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 ये है गाइस वाटरफॉल कसम से ये देखो ऊपर ओ भाई breaking rules. A dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. बेटर फील हो रहा है यहाँ पे एक तो एनवायरनमेंट इतना अच्छा है पानी भी इतना ठंडा है और कूल प्लेस है नेचुरली ब्यूटीफुल भाई आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह देख सकते हैं कि पानी इतना अच्छा है और साफ है भाई कई मंसूरे हैं तो यहाँ पे जरूर आए कहीं जाए ना जाए लेकिन यहाँ जरूर आए भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चलिए आगे दिखाते हैं आपको Do what you do. Oh, yeah.